नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मालवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। मैनपुरी में दिखा बारिश का कहर, 3 दिन से हो रही बारिश के चलते हुआ बड़ा हादसा। कच्ची दीवार गिरने से 2 मासूम सहित 5 लोगों की हुई मौत। अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई घटना। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों ने प्रशासन से मुआवजे को लेकर की मांग। प्रशासन ने सभी मृतकों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने का दिया आश्वासन। भोगांव और कुरावली थाना क्षेत्र में हुई घटना। ये भाई है। नाम है आपका? मेरा नाम किरण देवी। किरण जी, खत्म हुए हैं 2 लोग, क्या क्या नाम है? एक का नाम ममता है लेडीज का, और उसका नाम दिलीप है। कहाँ के रहने वाले हैं ये? ममता राजलपुर की है और वो कानपुर की तरफ का है। उसका गांव पता मुझे नहीं मालूम है, वो आता जाता है बहुत पहले से। रिश्तेदारी में आए थे क्या? हाँ। कैसे खत्म होगा ये लोग? ये दीवार, कच्ची दीवार पे छप्पर रखा था, वो बारिश की वजह से छप्पर गिरा, उसके बाद दीवार भी साथ में पलट गई, वो दब गए। दोनों लोग खत्म हो गए वही मौके पे। दोनों लोग खत्म हो गए। हम लोगों ने मट्टी की हटाई तो दोनों लोगों की मौत हो गई मौके पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार। सुनील जी, ये घटना हुई है, खत्म हुआ है, ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये ग्राम राजलपुर पड़ता है मेरे पंचायत में ही। थाना कौन सा है? थाना कुरावली। क्या घटना हुई, कितने लोग? ये घटना मुझे मिली है साहब 5:15 पे, तो मैं गया वहाँ, देखा तो 2 लोग दबे पड़े थे, बाकी बच्चे अलग थे, उनको पहले निकाल लिया था। ये 2 लोग निकलवाए मैंने अपने सामने, तो दोनों लोगों की डेथ हो चुकी थी। कैसे खत्म हुआ ये? कच्ची दीवार पे छप्पर पड़ा था, तो दीवार गिरी, फिर छप्पर उसके नीचे दब के दोनों लोग डेथ हो गई। दीवार कैसे गिर गई? बारिश की वजह। जी, 2 लोग मौत हुई है, कोई घायल भी है? नहीं, घायल नहीं है, वो बच्चे अलग थे थोड़े, बच गए, छप्पर में थे। अच्छा, ये लोग वही खत्म हो गए? ये बिल्कुल ऑन स्पॉट। क्षेत्र में कच्ची दीवार गिरने से 5 लोगों की मौत। क्या कुछ मामला है सर? प्रशासन से क्या मामला? जनपद में अभी प्राप्त सूचना के क्रम में तहसील भोगांव एवं तहसील कुरावली में सूचना प्राप्त हुई है। तहसील कुरावली में 2 मृत्यु हुई हैं, इसमें 1 मेल है, 1 फीमेल है। इसी प्रकार तहसील भोगांव में 3 मृत्यु हुई हैं, जिनमें कि 2 बच्चे हैं, उसमें 1 बच्चा मेल है, 1 बच्चा फीमेल है, और 1 मेल व्यक्ति पुरुष है, उसकी भी मृत्यु हुई है। 5 ही घटनाओं में 4-4 लाख रुपए के अनुमान धनराशि जो है वो स्वीकृत की जा रही है। मैनपुरी में लगातार 3-4 दिन से बारिश के चलते एक बड़ी आपदा दिखाई दी है, जहां 2 मासूम सहित 4 लोगों की मौत हुई है, क्या कहेंगे? कल से लगातार बारिश हो रही है हमारे विधानसभा क्षेत्र में। कुराली थाना के अंतर्गत गाँव राजलपुर सोनई में एक महिला और एक पुरुष की कच्चा मकान गिरने से दबके मृत्यु हो गई। दूसरी घटना भोगांव विधानसभा में सीपुरी में हुई है, जहां 2 मासूम बच्चे दब के मर गए और 6 बच्चे राजलपुर वाली घटना में बाल बाल बच गए। केवल महिला और पुरुष की मृत्यु हुई है, ममता नाम की महिला है और 1 उनके कोई रिश्तेदार हैं, बच्चे 6 बच गए। मेरी प्रशासन से मांग है कि जिला स्तर पर जो भी मदद हो सकती हो इन 4 मृतकों को दी जाए, और सरकार से मांग है इन सभी मृतकों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। नमस्कार।